में पत्रकार बाहर से कितना पावरफुल लगता है कि वो खबर लिखेगा तो ये बदल जाएगी, लेकिन उसकी अपनी दुनिया नहीं। वो आज भी आपने उसको कायम कर रखा है, हम लोग आपको निश्चित तौर पे नमन कर। आज हम लोग फिर एक बार यहाँ जुटे हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, हम लोगों का खिचड़ी भोज है और सारे पत्रकार शहर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें फोटो जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और वरीय साथी, बहुत सारे वरीय साथी यहाँ पर हैं। और ख़ासकर आज पुष्पमित्र हैं, इंडिया टुडे के पत्रकार नवीन निशांत हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार, पहले वो फोटोग्राफर थे, सब लोग जुटे हैं, सबका सम्मान है और खिचड़ी भोज है यहाँ पर। उद्देश्य ये है कि हम पत्रकारों के पास बहुत कम समय रहता है जीवन में, और हम जब काम करते रहते हैं तो भटकते रहते हैं, तो एक छत के नीचे लाने का उद्देश्य है कि हम लोग एक जगह बैठे, कुछ बातें हो, उस पर कुछ विचार हो, और फिर आगे के लिए हम पत्रकारों के लिए कुछ नया प्लान बनाए और उसके साथ काम करें। उपाध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार श्री राजीव कांत मिश्रा जी को भी एक स्मृति चिन्ह हम लोग दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के संपादक भवानंद जी को एक स्मृति चिन्ह, के फोटोग्राफर हैं, कैमरा लेकर गंगा में घूमते रहते हैं। इधर देखिए भैया, परिमल जी की रिपोर्टिंग जो है हम लोग बराबर देखते रहते थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इन्हें सम्मानित करना चाहिए। और थोड़ा क्लोज है ये, क्लोज जय हो दुर्गा। और दीजिए, आने दीजिए, एक और दीजिए, दीजिए दीजिए दीजिए, एक और दीजिए, खोलिए खोलिए। वो मेरे जीवन का आधार बनी। भागलपुर से पहले भी मैंने पत्रकारिता की थी, लेकिन तब मैं ज़्यादातर डेस्क पर काम करता था। जब मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई भोपाल से की और उसके बाद भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह में पत्रकारिता की नौकरी की, अलग अलग अखबारों में, भारत में, लोकायत पत्रिका में, अमर उजाला में। लेकिन होता क्या है कि जब आप पत्रकारिता सीखते हैं और किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जगह पत्रकारिता करते हैं, तो आप वहाँ रिपोर्टर नहीं बन पाते, रिपोर्टर बनना मुश्किल होता है। आपको सीधे डेस्क पर बिठा दिया जाता है, डेस्क पर लोग कम होते हैं, तो जो रिपोर्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स, उसको आप ठीक ठाक करते हैं, ये करते हैं। जब मैं भागलपुर आया तब मुझे जो यहाँ संपादक थे उनकी भी रुचि थी और मुझे भी रिपोर्ट करने का मौका मिला, तो भागलपुर इसलिए मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे यहाँ रिपोर्ट करने का मौका मिला और ठीक से मैंने यहाँ रिपोर्टिंग की। डेस्क पर रहते हुए भी हमारे संपादक थे विश्वेश्वर कुमार, वो हमेशा बीच बीच में मुझे भेज दिया करते थे, तुम जाओ रिपोर्ट लेके आओ, दौड़ी। तो वो जो मैंने रिपोर्ट लिखना यहाँ शुरू किया, वही मेरे जीवन का, पत्रकारिता के जीवन का आधार बनी। फिर मैं लगातार इसी तरह से कहीं भी जाता था, घूमकर रिपोर्ट लिखता था। आज जो मैं इंडिया टुडे में काम आलोक अग्रवाल जी से गुजारिश है कि वो मंच पर चले आए। आलोक अग्रवाल जी, पहला तो ये है कि आज सुबह मैं बीमार था, 3-4 अभी मैं उल्टी वॉमिटिंग हुआ मुझे और मैं यहाँ पे आया। और एक चीज़ आप सबके सामने मैं बयां करना चाहता हूँ कि मैं बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ इस सभा में,
हो सकता है कि पुलिस की सभा भी हो, बहुत सारी सभा होती है, लेकिन मुझे बहुत यहाँ सहजता महसूस हो रही है। अब क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे स्वभाव के ज़्यादा करीब है। मैंने JNU जैसे संस्थान में पढ़ाई की है और आज मैं 4 दवाई खा के आया हूँ, और हो सकता था कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाता, लेकिन मुझे लगा कि आज अगर इस जगह अगर नहीं आऊँगा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैं पा नहीं पाऊँगा और एक सुकून जो है वो मैं उससे परे हो जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं पत्रकारिता के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था फिर JNU में था, वो आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी हमारे भाई साहब ने यहाँ पे बोला कि कोई कुछ नहीं करता तो पत्रकार बन जाता है। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं रखता हूँ। मैं आज उनको याद करता हूँ, दिलीप पटगांवकर एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, दिलीप पटगांवकर, और उनके मुँह से एक वाक्य निकला था कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस मैं होल्ड करता हूँ, सेकेंड मोस्ट। और फर्स्ट उन्होंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर जो है PM वो पहला, सेकेंड मैं। ये तो सबसे पहले उन्होंने बड़े भाई ने बताया, तो मैं उस चीज़ को सोचा कि आप सबके सामने रखूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम पत्रकार हैं और आज जो सबसे बड़े पत्रकार, सबसे पहले पत्रकार और उनको एडिटर, सबसे पहला एडिटर जिनको कहा जाता है, उनको भी हम लोग याद करते हैं। उनका नाम है नारद मुनि, सबसे पहले पत्रकार उनको माना गया। श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में 26वें श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं देवर्षि में मैं नारद हूँ, और विष्णु जी ने जो भी लीला रची, ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है कि पत्रकारिता भी है वो एक लीला है। लीला का मतलब एक डिस्कोर्स है, हर एक न्यूज़पेपर का एक डिस्कोर्स होता है, एक लीला होता है। तो उसी तरीके से सारी लीलाएं जो विष्णु जी ने रची वो नारद के बिना नहीं रची। वो एक बहुत बड़े एक निमित्त मात्र थे, एक मीडियम थे कि उन्होंने सारी लीलाएं रची। तो एक मैं उनको याद करना चाहता हूँ आप सबके समक्ष। उसके साथ साथ एक और नाम मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो जिनसे मैं एक बार मुखातिब हुआ, मुझे मौका मिला। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था और द हिंदू हम बहुत पढ़ते थे JNU में। पी साईनाथ गरीबी के ऊपर, भूखमरी के ऊपर, ड्राउट के ऊपर, जो सूखा पड़ता था, जो आंध्र प्रदेश ये सबका इलाका था, पी साईनाथ हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में पढ़ते थे। सुहासिनी हैदर जो कि स्वामी जी की बेटी हैं, उनका हम लोग आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी में पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो लिखती थी। लेकिन उसके ऊपर जो N. Ram जो थे, जो एडिटर थे, हम लोग बहुत मेसमराइज उनसे रहते थे कि कैसे हम उनसे मिल सकते हैं। तो एक बार मौका मिला दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग गए, जिनको N. Ram को श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला होगा, इतना उनका से था पत्रकारिता में। तो उनसे मुखातिब होने का मौका मिला दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उस समय हम लोग जब उनको देखते थे हमें ऐसा लगता था कि भगवान बैठा हुआ है सामने, क्योंकि हम लोग भी लिटरेरी एकेडमिक्स में थे तो हमें बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करते थे। उसके साथ साथ मुझे याद है द हिंदू वो पहले ब्लैक एंड वाइट में निकलता था, आपने देखा होगा, लेकिन जब वो रंगीन में निकलने लग गया, क्योंकि अभी फोटो जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है तो मैं विजुअल इफेक्ट जो होता है आँखों का उसके बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो जब वो ब्लैक एंड वाइट से जब रंगीन हो रहा था वो हिंदू, तो कहीं ना कहीं देखिए रंगीन जब होता है पेपर, उसके अंदर आपके कलर्स होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा, और जो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त बैठे हुए थे, कि द हिंदू जैसे ही रंगीन हुआ उसका प्रिंटिंग पब्लिकेशन, कहीं ना कहीं जो है हमें दुख हुआ, उसका जो मेन जो ब्लैक एंड वाइट में निकलता था उसकी बात ही कुछ और थी। अनुज जी, दिलीप जी, धन्यवाद आलोक जी आपको। लालू शर्मा जी, जो इन दिनों आलेख, आपके आलेख को भी हम लोग पढ़ते हैं और आप जाते तुरंत लिख देते हैं, इतने फास्ट हैं, हम लोग के बीच में होते हैं, लंबे समय से आप हम लोगों का हौसला बढ़ाएं लालू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
दिलीप जी जो फोटो चल। अमित कुमार जा जा।